So good afternoon to all of the students. Okay. So last lecture को हमने क्या देखा उसका एक recap लेते हैं और उसके बाद हम आगे का part study करेंगे. तो last lecture में हमने क्या देखा? Images formed by two inclined mirrors देखा. Okay. इसका एक बार और एक बार मैं रिवीजन लेता हूं एंड उसके बाद हम आगे का पार्ट स्टडी करेंगे. ओके, तो यहां पे देखिए, यहां पे अगर दो प्लेन मिरर्स हैं एंड दिस टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मिरर, उसको मैं बोलूंगा M1 एंड दिस इज द सेकंड मिरर, उसको बोलूंगा मैं M2. ओके, सो दीज आर द टू प्लेन मिरर्स which are inclined to each other. अभी इन दो मिरर के बीच में एंगल कितना है? थीटा है. एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स. ठीक है, तो यहां पे पहला कांसेप्ट हमने कौन सा पढ़ा? नंबर ऑफ इमेजेस. ओके, पहला कांसेप्ट हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन जाएगी. ओके, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन जाएगी उसके लिए क्या करते हैं, आपको पता है क्या करना है? यहाँ पे n का वैल्यू पहले निकालना है. सो n इज इक्वल टू, n कैसे निकालना है? 360 बाय थीटा करना है. 360 बाय थीटा. ओके, 360 बाय थीटा करने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे n का वैल्यू एक तो इवन आता है या फिर ऑड आता है या फिर फ्रैक्शन आता है. करेक्ट है ना? तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए पहले क्या करना है? 360 बाय थीटा करना है. ठीक है, आपको सभी को ठीक से सुनाई दे रहा है ना? ऑडियो वीडियो क्वालिटी ओके ना? यस. ओके, सो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए पहले 360 बाय थीटा करना है. तो n का वैल्यू एक तो हमें इवन मिलता है या फिर ऑड मिलता है या फिर फ्रैक्शन मिलता है. अगर इवन मिलता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना लेना है? n माइनस 1 लेना है. करेक्ट है ना? n माइनस 1. अगर ऑड मिलता है, n का वैल्यू अगर ऑड मिलता है तो नंबर ऑफ इमेजेस एक तो n बनता है या फिर n माइनस 1 बनता है. तो n कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिक होगा. एसिमेट्रिक. एंड n माइनस 1 कब रहेगा? जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रहेगा. n माइनस 1 ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिक रहता है. एंड फ्रैक्शन आता है तो क्या करना है? यहाँ पे इंटीजर पार्ट लेना है. नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इंटीजर पार्ट. अगर फ्रैक्शन आता है तो इंटीजर पार्ट लेना है. मतलब 5.6 आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 5 ओनली. ओके, इसके नंबर ऑफ इमेजेस के बाद हमने देखा इमेजेस कहां पे बनेंगे, ये हमने देखा. दैट इज पोजीशंस ऑफ इमेज हमने देखा. नेक्स्ट क्या देखा है? पोजीशंस ऑफ इमेजेस. इमेजेस कहां पे बनेगी, कितनी बनेगी, हो गया. इमेजेस कहां पे बनेगी, क्या कोई बता सकता है? अगर टू प्लेन इंक्लाइन मिरर से तो इमेजेस कहां पे बनेगी? ओके, इमेजेस कहां पे बनेगी? एक सर्कल पर बनेगी. सर्कल पर इमेजेस विल बी फॉर्म ऑन दी सर्कल. करेक्ट है ना? पोजिशन ऑफ इमेजेस विल बी ऑन दी सर्कल. ये हमेशा ध्यान में रखना है. ओके, इमेजेस विल बी फॉर्म ऑन दी सर्कल. जिस सर्कल का सेंटर कहां पे रहेगा बताइए? सेंटर. जिस सर्कल का सेंटर रहेगा एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर्स, मतलब यहां पे इस सर्कल का सेंटर होगा. ठीक है, इस सर्कल का सेंटर कहां पे रहेगा? इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर्स पर रहेगा. इंटरसेक्शन. ओके, क्या बताया मैंने? इंटरसेक्शन. तो यहाँ पे जो भी इमेजेस बनेगी ना, M1 और M2 की जो भी इमेजेस बनेगी इस सर्कल पर बनेंगी. एंड इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर्स पर रहेगा. एंड इस सर्कल का रेडियस कितना रहेगा? रेडियस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि MCQ में आपको ये पूछा जा सकता है. इमेजेस कहाँ पे बनेगी? सर्कल पे बनेगी. सर्कल का सेंटर कहाँ पे रहेगा? मिरर के इंटरसेक्शन पर रहेगा. सर्कल का सेंटर मिल गया, अभी सर्कल का रेडियस भी मिलना चाहिए. तो रेडियस कितना रहेगा? सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे है. उस सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना उतना रेडियस रहेगा. यहाँ पे रेडियस कितना रहेगा? सेंटर टू ऑब्जेक्ट, CO डिस्टेंस, C2O. ओके, इस रेडियस का सर्कल हमें निकालना पड़ेगा. इसमें कुछ डाउट है क्या आपको? डाउट नहीं है ना?
तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल M2 के पीछे यहाँ पे इमेजेस इस तरह से बन जाएगी, ओके नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म, लेकिन इमेजेस किस एंगल से आगे नहीं जा सकती, किस एंगल से नहीं आगे जा सकती बताइए, 180 डिग्री से आगे नहीं जा सकती, करेक्ट है ना, क्योंकि देखिए ये एंगल ये एंगल ये एंगल मतलब M2 से हमने एंगल लिया, दिस इज सपोज फर्स्ट इमेज, दिस इज सेकंड इमेज, दिस इज सपोज थर्ड इमेज, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, ओके 180 डिग्री से एंगल 180 डिग्री से आगे इमेज नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि नहीं तो इमेज क्या हो जाएगा, मिरर के आगे आ जाएगा, ओके तो वर्चुअल इमेज जो है ना मिरर के आगे कभी भी नहीं आ सकता, मैक्सिमम 180 डिग्री तक बन सकता है। सिमिलरली M2 के अंदर भी इमेजेस बन जाएगा, वो भी मैक्सिमम 180 डिग्री तक बनेगा, एंड उसका पोजीशन हमने देखा है, ओके तो M1 का इमेजेस एंड M2 का इमेजेस कैसे बनेगा, देखिए अगर यहाँ पे M1 के साथ ऑब्जेक्ट का एंगल सपोज कितना है अल्फा है, एंड M2 के साथ ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है सपोज बीटा है, ओके करेक्ट है ना, हाँ M1 के साथ ऑब्जेक्ट का एंगल अगर अल्फा है एंड M2 के साथ ऑब्जेक्ट का एंगल अगर बीटा है, तो M1 के अंदर इमेजेस कहां पे बनेगी, M1 के अंदर पहली इमेज अल्फा पर ही बनेगी, ओके उसके बाद बीटा प्लस थीटा, उसके बाद अल्फा प्लस टू थीटा, ओके उसके बाद बीटा प्लस थ्री थीटा एंड सो ऑन, इस तरह से बन जाएंगे, ओके मतलब ये प्रोसीजर कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक हमें 180 डिग्री एंगल नहीं मिलता है तब तक, ठीक है 180 डिग्री के आगे हमें नहीं जाना है, 180 डिग्री आगे 180 डिग्री के आगे हमें नहीं जाना है। उसके बाद M2 के अंदर पहला जो इमेज बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट M2 से बीटा पर है तो पहला इमेज बीटा पर ही बनेगा, बीटा उसके बाद अल्फा प्लस थीटा, उसके बाद बीटा प्लस टू थीटा, उसके बाद अल्फा प्लस थ्री थीटा एंड सो ऑन, इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, सो इन दिस वे इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इन मिरर M1 एंड मिरर M2, ओके ठीक है, यहां पर भी 180 डिग्री के आगे नहीं जाना है, 180 डिग्री के आगे नहीं जाना है। और मैंने ये भी आपको बताया था लास्ट में जो दो एंगल रहेंगे ना, लास्ट में दो एंगल जो भी रहेंगे ना उनका एडिशन एंड एंगल बिटवीन टू मिरर, इनका एडिशन मतलब दिस एंगल एंड एंगल बिटवीन टू मिरर्स मतलब थीटा, इन तीनों का सम अगर एग्जैक्टली 360 डिग्री आता है तो क्या होता है, ये दो इमेजेस क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, करेक्ट है ना, मतलब लास्ट के दो इमेजेस ओवरलैप करेंगी या नहीं करेंगी कैसे डिसाइड करना है, यहाँ पे सम करना है, और वो सम अगर 360 डिग्री आता है तो लास्ट का इमेज ओवरलैप करता है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब तक कुछ डाउट है क्या, बोलिए, ये पार्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। Once again I'm going to repeat, images formed by two plane inclined mirrors, number of images निकालने के लिए 360 by theta करना है, even odd या फिर fraction आ जाएगा, उसके बाद इमेजेस का पोजीशन कहाँ पे आ जाएगा, इमेजेस का पोजीशन सर्कल पर आ जाएगा, करेक्ट है ना, इमेजेस कहाँ पे बनेगी, सर्कल पर बनेगी, एंड उस सर्कल का सेंटर कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन पे रहेगा, दो मिरर का जो इंटरसेक्शन है ना, मीट करते हैं ना, वहां पे इंटरसेक्शन रहेगा, एंड इस सर्कल का मतलब जिस सर्कल पर इमेजेस बनने वाली है ना, उस सर्कल का रेडियस कितना रहेगा, इंटरसेक्शन टू ऑब्जेक्ट, ये जो डिस्टेंस है ना, इतना रेडियस का हमें सर्कल निकालना पड़ेगा, उस सर्कल पर बनेंगे एंड इस पोजिशन पर बनेंगे, ओके सो एनी डाउट अप टू दिस, कुछ डाउट है क्या बोलिए, नो डाउट, ओके। इसके बाद अभी नेक्स्ट देखिए, इमेजेस फॉर्म बाय टू पैरेलल मिरर्स देखेंगे, अभी इमेजेस फॉर्म बाय टू पैरेलल मिरर्स, ओके दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट, इमेजेस फॉर्म बाय टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। तो यहां पे देखिए, यहां पे दो मिरर है, ओके सो दीज आर द टू मिरर्स, दीज आर टू प्लेन मिरर्स, okay and these two plane mirrors are parallel to each other, so this is mirror M1 and this is mirror M2, okay and mirror M1 and M2 ke beech mein kya karne wale hain, ek object hum yahan pe rakhne wale hain, object is placed between the two mirrors like this,
So this is mirror M1 and this is mirror M2. ठीक है, images formed by two parallel mirrors. मतलब दो, यहाँ पे दो mirrors है and ये दो mirror कैसे है, एक दूसरे को parallel है. तो first question क्या रहेगा यहाँ पे, कितनी images बनेंगी, and second question क्या रहेगा, images कहाँ पे बनेंगी. ठीक है, तो first question देखते हैं, number of images. Okay, number of images. कोई बता सकता है कितनी images बनेगी यहाँ पे? How many images will be formed here? कितनी images बनेंगी? Correct. प्रथमेश करेक्ट, पार्थ करेक्ट, ओके, दशरथ करेक्ट, अमूल्या करेक्ट, ओके. देखिए नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं, 360 डिवाइडेड बाय थीटा पहले निकालना है ना, 360 बाय थीटा करना है, मतलब n निकालना है 360 बाय थीटा. तो 360 डिवाइडेड बाय यहां पे एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर कितना रहता है, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स मतलब पैरेलल मिरर्स, पैरेलल मिरर के बीच में एंगल तो जीरो रहेगा ना, पैरेलल मिरर्स के बीच में एंगल जीरो रहेगा. एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो कितना आता है, इंफिनिटी आता है. एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इंफिनिटी आता है. तो यहाँ पे इंफिनिटी माइनस वन किया या फिर इंफिनिटी रखा तो नंबर ऑफ इमेजेस इंफिनिटी ही बनेगा. ठीक है ना, सो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट. शायद आपने देखा होगा अगर दोनों साइड को हम दो मिरर्स रखते हैं पैरेलल टू ईच अदर एंड हम उन दो मिरर के बीच में खड़े होते हैं तो राइट हैंड साइड पे इंफिनिटी तक और लेफ्ट हैंड साइड में इंफिनिटी तक हमें इमेजेस मिलता है. करेक्ट है ना, सो इनफाइनाइट इमेजेस विल बी फॉर्म फर्स्ट थिंग. उसके बाद पोजीशंस ऑफ इमेज क्या रहेगा वो निकालेंगे आप, पोजीशंस ऑफ इमेजेस. ये तो क्लियर हो गया ना, नंबर ऑफ इमेजेस कितने रहेंगे, इनफाइनाइट रहेगी. नंबर ऑफ इमेजेस कितनी रहेंगी, इनफाइनाइट. ओके, हाँ शायद आपने सलून में देखा होगा, सलून में करेक्ट, हेयर कटिंग सलून रहता है ना, हेयर कटिंग सलून, उसमें शायद प्लेन मिरर्स दो रहते हैं और उनके बीच में आप खड़े रहे तो क्या होता है, आपको आपका इनफाइनाइट इमेजेस दिखेगा, इनफाइनाइट. यस, अभी पोजीशंस ऑफ इमेज क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे इमेजेस कहाँ कहाँ पे बनेगी, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन इस तरह से ऑलरेडी आ चुका है. एक क्वेश्चन क्या है, यम वन का सेकंड इमेज एंड यम टू का फिफ्थ इमेज, इनके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. यम वन का सेकंड इमेज एंड यम टू का फिफ्थ इमेज, इनके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, ये इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है. तो कैसे ये हो जाएगा, देखिए तो पहले कंसेप्ट अंडरस्टैंड कीजिए. सपोज दो मिरर के बीच में एंगल सॉरी दो मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है, सपोज डी है. ओके, दो मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी है एंड ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस ए सपोज फ्रॉम फर्स्ट मिरर एंड एट डिस्टेंस बी फ्रॉम द सेकंड मिरर. यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वाला डायग्राम निकालता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा. Just a minute. So these are two plane mirrors. Okay? And object is suppose here. दो मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है, सपोज दो मिरर के बीच में डिस्टेंस सपोज d है. यहां पे ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट कहां पे है, mirror from mirror M1 it is at distance A. Okay, and from mirror M2 and from mirror M2 तो यहाँ पे from mirror M1 object is at distance A. Okay, from mirror M2 object is at suppose at distance B. Okay, यहाँ तक okay है ना, कुछ problem नहीं है. अभी देखिए M1 में जो फर्स्ट इमेज बनेगा ना तो कहां पे बनेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ए. अभी देखिए आपको मैंने बताया है जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता है उतना ही इमेज डिस्टेंस रहता है. तो फर्स्ट इमेज जो बनेगा ना तो यहां पे बनेगा, उसको मैं I1 बोलूंगा. I1 वो कितने डिस्टेंस पर रहेगा बताइए, ए डिस्टेंस पर रहेगा. यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, वेरी सिंपल है, ऑब्जेक्ट अगर मिरर के आगे ए डिस्टेंस पर है तो इमेज भी अंदर ए डिस्टेंस पर बनेगा.
ओके उसी तरह से अभी यहां पे देखिए ओके यम टू के अंदर अभी देखिए फ्रॉम यम टू ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस बी एंड देयरफॉर इमेज विल आल्सो बी एट डिस्टेंस बी ओके ठीक है ना तो ये डिस्टेंस बी बनेगा करेक्ट तो ये इसको बोलेंगे आई वन डैश दिस इज द फर्स्ट इमेज ऑफ मिरर यम टू आई वन डैश ठीक है तो ये तो बन गया फर्स्ट इमेज यम वन एंड दिस इज फर्स्ट इमेज इन यम टू ओके एनी डाउट नो डाउट अभी यम वन में नेक्स्ट वाला इमेज कहां पे बनेगा यम वन में नेक्स्ट वाला इमेज देखिए ठीक से देखिए थोड़ा सा अभी इसका तो इमेज ये बन गया अभी यहाँ पे इमेज जो है ना आई वन डैश इसका इमेज यहाँ पे आई टू बनेगा मैं क्या बोल रहा हूँ ये मिरर अभी यम वन है एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ऐसा कंसिडर कीजिए I1 dash is object consider कीजिए तो यहाँ पे ये distance कितना होता है देखिए this is d and this is d ना तो total distance b plus d बनेगा ना b plus d देखिए total distance कितना बनता है b plus d तो m1 के आगे अगर b plus d पर object है तो image भी कहाँ पे बनेगा b plus d पर ही बनेगा ना so ये बनेगा image i2 कितने distance पर बनेगा b plus d पर बनेगा b plus d करेक्ट है ना बी प्लस डी समझ में आ गया क्या बी प्लस डी दिस इज डी दिस इज बी सो दिस इज डी प्लस बी यम वन के आगे बी प्लस डी पर है तो यम वन के पीछे बी प्लस डी पर ही बनेगा करेक्ट ओके उसके बाद अभी यम टू के लिए ये ऑब्जेक्ट हो सकता है यम टू के लिए ये ऑब्जेक्ट हो सकता है ना आई वन ऑब्जेक्ट क्योंकि यम टू ने अभी इसका ही ओनली इमेज बनाया है ऑब्जेक्ट का ही ओनली इमेज बनाया है I1 का भी वो इमेज बना सकता है ना तो I1 एंड M2 इनके बीच डिस्टेंस कितना है लिखिए ये तो हो गया D एंड ये तो हो गया A A plus B बनेगा ना ये डिस्टेंस देखिए थोड़ा सा कितना होता है from M2 क्योंकि M2 का इमेज निकालने वाले हैं A plus B बनेगा तो M2 के आगे अगर A plus B पर ऑब्जेक्ट है तो M2 के अंदर A plus B पर बनेगा A plus B ये हो गया I2 dash अभी ये रिपीट होता जाएगा अभी I2 का भी M1 में इमेज बनेगा ना M1 के आगे I2 भी है ओके M1 के आगे I2 कितना डिस्टेंस पर है देखिए दिस इज D एंड दिस इज A plus B मतलब कितना बनेगा D plus A plus M1 के आगे I2 भी है ना तो देखिए ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा बताइए मुझे M1 अभी I2 का इमेज तैयार करेगा Okay, so this is D, this is A plus B, मतलब ये total distance यहाँ पे object का M1 से बन जाएगा A plus 2D, तो image यहाँ पे अंदर बन जाएगा A plus 2D. Similarly, इसका भी M2 के अंदर image बनेगा, okay? तो I2 जो है ना, वो B plus D plus D है, so B plus 2D, तो यहाँ पे I3 dash बनेगा. I3 dash कहां पे बनेगा B plus 2D पर बनेगा अभी देखिए हर बार ये कितना डिस्टेंस है क्या डिस्टेंस है निकालना नहीं पड़ता आपको कैसे ध्यान में रखना है देखिए A B plus D A plus 2D B plus 3D A plus 4D ओके जो एंगल वाला कंसेप्ट था ना वही कोई कंसेप्ट इधर आने वाला है मतलब देखिए M1 के अंदर इमेजेस कहां कहां पे बनेगी M1 के अंदर इमेजेस कहां पर कहां पे बनेगी M1 के अंदर फर्स्ट इमेज A पर बनेगी उसके बाद B plus B पर बनेगी उसके बाद A plus 2D पर बनेगी उसके बाद B plus 3D पर बनेगी so on उसी तरह से कैलकुलेशन है समझ में आ रहा है ना उसी तरह से कैलकुलेशन आ जाएगा सिमिलरली M2 के अंदर M2 के अंदर इमेजेस कहां पे बनेंगे देखिए पहली इमेज M2 के अंदर कहां पे बनेगी B डिस्टेंस पर बनेगी पहली इमेज B ओके B पर बनेगी B के बाद A plus D करना है D is the distance between two mirrors ओके उसके बाद B plus 2D करना है उसके बाद A plus 3D करना है and so on ये कब तक चलेगा ऐसा इनफिनिटी तक क्योंकि यहां पे इनफाइनाइट इमेजेस बनने वाली है ओके तो ये समझ में आ रहा है क्या देखिए डायग्राम समझ में आ गया क्या देखो समझ में नहीं भी आया डायग्राम तो भी ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखा ना तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व होता है
कितने लोगों को समझ में नहीं आया वो बताइए मुझे, कितने लोगों को समझ में नहीं आया। ओके ठीक है ना। हाँ तो इस पर मैं अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उसके पहले ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, पहला इमेज कहां पे बनेगा, ऑब्जेक्ट पहला कितना डिस्टेंस पर है देखिए, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिसाइड दैट फर्स्ट इमेज। एक बार फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस मिल गया ना, बाकी का मतलब इस तरह से ध्यान में रखना है, ए बी प्लस बी, ए प्लस टू डी, बी प्लस थ्री डी, मतलब ए बी ए बी ए बी करते जाना है कंटिन्यूसली, करेक्ट है ना, ए बी ए बी ए बी करते जाना है, एंड उसके आगे पहला तो ये बनेगा, दूसरा 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, ऐसा करते जाना है। ओके वेरी सिंपल है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है। हाँ तो ये तो कंसेप्ट है, मतलब इस तरह से आपको सभी कंसेप्ट ठीक से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंड ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके एनसीईआरटी में इसका कुछ नेम नहीं है, एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम ही नहीं है एक्चुअली, प्रॉब्लम नहीं दिया है, मतलब ओनली कंसेप्ट दिया गया है, नंबर ऑफ इमेजेस मतलब ये एप्लीकेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन। ओके ठीक है। तो यहां पे अभी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज लाइक दिस, देयर आर टू पैरेलल मिरर्स। ओके यहां पे दो पैरेलल मिरर्स हैं, ठीक है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स इज सपोज 30 सेंटीमीटर, दो मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर है, दिखाई देता है ना, दो मिरर के बीच में डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ओके 30 सेंटीमीटर है दो मिरर के बीच का डिस्टेंस, एंड यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, this is mirror M1, this is mirror M2, and from first mirror M1 के साथ distance है 10 centimeter, okay? distance is 10, and M2 के साथ distance है 20, ठीक है? तो question अभी क्या है देखिए, chapter का name re-optics लिखा है ना वहाँ पर, re-optics है chapter का name, हाँ, तो यहाँ पे M1 के अंदर इमेजेस कहां कहां पे बनेगी, M2 के अंदर इमेजेस कहां पे बनेगी, ये पहले निकालना है, एंड उसके बाद क्वेश्चन इज दैट डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेज ऑफ M1 एंड थर्ड इमेज ऑफ के M2, ये सॉल्व करना है। इस तरह से ही क्वेश्चन आ गया, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेज ऑफ M1 एंड थर्ड इमेज ऑफ M2 ये निकालना है। ओके ठीक है ना। हाँ देखिए M1 के अंदर आप थोड़ा सा बताइए, कैलकुलेशन कीजिए और बताइए M1 के अंदर कहां कहां पे इमेजेस बनेगा, M2 के अंदर कहां कहां पे इमेजेस बनेगा। ओके एक मिनट का टाइम लीजिए, उसके बाद आप ही मुझे बताने वाले हैं M1 के अंदर का मतलब अप टू थ्री इमेजेस बताइए, M1 का थ्री इमेजेस, M2 का थ्री इमेजेस, अप टू थ्री इमेजेस ओनली बताइए ना। ओके डिस्टेंस निकाला है रोहित ने, 160 निकाला है, सिद्धेश 120, ओके साक्षी 10 50 70, ओके अनन्या आर बैक टू बैक 160 160। ओके देखिए M1 के अंदर पहला इमेज कहां पे बनेगा, पहला इमेज बताइए M1 के अंदर, पहला इमेज M1 के बिहाइंड 10, करेक्ट। ओके उसके बाद क्या करना है, 10 के बाद ओनली पहले डायरेक्ट ओनली एडिशन ओनली लिखिए, बाद में एडिशन कीजिए, मतलब किसका एडिशन होगा वही ओनली लिखिए, उसके बाद क्या करने वाले हैं 20 प्लस 30 करना पड़ेगा, उसके बाद 10 प्लस 60 करना पड़ेगा, तो क्या करना है 10 20 10 20 10 20 ऐसा लिखो ना, एंड उसके बाद 30 60 90 ऐसा लिखना है, 30 60 90 करेक्ट है ना।
पहला इमेज 10 पर बनेगा A पर, दूसरा B plus D मतलब 20 plus 30, तीसरा A plus 2D मतलब 10 plus डबल 30 का डबल 60, ओके। उसके बाद M2 के अंदर पहला इमेज कहाँ पे बनेगा, 20 पर बनेगा। दूसरा देखिए, अभी 20 नहीं लेना है, 20 हो गया तो नेक्स्ट 10 plus 30 करना है ना, 10 plus 30 करना है, उसके बाद 20 plus 60 करना है, उसके बाद 10 plus 90 करना है, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे this is 10, this is 50, this is 70, this is 110, M1 के अंदर इमेजेस कहाँ पे बनेगा, 10, 50, 70, 110, किसका सही आया है देखिए, सही किसका है देखिए, M1 का, करेक्ट। हाँ, अभी M2 के अंदर 20, 40, 80 एंड 100, करेक्ट है ना, 20, 40, 80, 100 करेक्ट है क्या, देखिए 20, 40, 80, 100 पर बनेगा M2 के अंदर, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ओके, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन सेकंड इमेज ऑफ M1 एंड थर्ड इमेज ऑफ M2, सेकंड इमेज ऑफ M1 मतलब ये रहेगा, करेक्ट है ना, सेकंड इमेज ऑफ M1 एंड थर्ड इमेज ऑफ M2 मतलब ये रहेगा, M2 के अंदर का थर्ड इमेज, ठीक है कि नहीं, देखिए M1 का सेकंड इमेज मतलब 50 पर बनेगा, M2 का थर्ड इमेज मतलब 80 पर बनेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन सेकंड इमेज एंड थर्ड इमेज कितना बनेगा, 1, कितना बनेगा बताइए, 160 बनेगा, 160 कैसे आ जाएगा, देखिए M1 के अंदर जो सेकंड मिरर इमेज है M2 इमेज कितने डिस्टेंस पर बनने वाला है, 50 सेंटीमीटर पर बनने वाला है, ओके, इसमें तो कुछ डाउट नहीं है। M2 के अंदर जो थर्ड इमेज बनेगा ना, I3 बोलता हूं उसको मैं, I3 थर्ड इमेज 80 पर बनेगा, वो मिरर से डिस्टेंस होता है ना, मिरर से डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे M1 के अंदर 50, M2 के अंदर 80, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, सेपरेशन कितना है, वो निकालना है। सो 50 प्लस 80 हो जाएगा 130, एंड ये बीच वाला भी डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, 160, so 50 plus 80 plus 30, that is 160 will be the answer, okay, 160 will be the correct answer, समझ में आ रहा है क्या, कुछ doubt है तो पूछिए, any doubt in this case, बहुत simple है, okay, मतलब यहाँ पे ये दो distance निकालना है, ये दोनों का addition करना है, और उसमें क्या और add करना है, मिरर के बीच का भी डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सेकंड इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम M1 50 आ जाएगा, थर्ड इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम M2 80 आ जाएगा, तो 50 प्लस 80 130 एंड बीच वाला डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस उन्होंने पूछा यहाँ पे क्वेश्चन में। तो कभी कभी स्टूडेंट 50 प्लस 80 ही ओनली करते हैं एंड यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। वन मोर एग्जाम्पल, ओके, वन मोर एग्जाम्पल, इसका आंसर आपको देना है, आपको ही इसका आंसर देना है। अभी देखिए, these are the two plane mirrors, M1, M2, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज कितना है, 40 सेंटीमीटर है, एंड ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 फ्रॉम M1, ओके, 15 फ्रॉम M1, तो क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन निकालना है सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड ऑफ M1, सेकंड ऑफ M1 एंड फोर्थ ऑफ M2, ये हमें निकालना है, तो ट्राई कीजिए थोड़ा सा।
डिस्टेंस बिटवीन सेकंड ऑफ एम वन एंड फोर्थ ऑफ एम टू, ये निकालना है। सॉल्व करके आंसर मुझे दे दीजिए अभी। ओके कहां पे डाउट है साक्षी, क्या क्वेश्चन है बताओ। श्रावण का आंसर आ गया 190। ओके सिद्धेश 240, दशरथ 240। एम टू के साथ डिस्टेंस कितना है वो आप निकाल सकते हैं ना, वो भी देना चाहिए क्या आपको, निकालना पड़ेगा। 240 आंसर आ रहा है सभी का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट इट इज 240, करेक्ट है ना। हाँ अभी देखिए M1 में, M1 के अंदर फर्स्ट इमेज बताइए पहले कितना हो जाएगा, फर्स्ट इमेज कितने डिस्टेंस पर रहेगा, फास्ट क्विक 15 रहेगा, 15। तो उसके क्या आगे क्या करना है, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 25 बनेगा, टोटल 40 है ना, तो यहाँ पे 25 प्लस 40 करना है, उसके बाद 15 प्लस 80 करना है, उसके बाद 25 प्लस 120 करना है, एंड सो ऑन। ज्यादा कुछ आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेकंड ऑफ एम वन भी लेना है, सेकंड मतलब यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ, ठीक है। अभी एम टू में, एम टू के अंदर पहला इमेज कहाँ पे बनेगा, आगे 25 है तो पीछे 25 पर बनेगा, ओके सो यहाँ पे 25, ओके उसके बाद 15 प्लस 40 करना है, पहले 25 उसके बाद 15 प्लस 40, ओके उसके बाद 25 प्लस 80, उसके बाद 15 प्लस 120, ओके तो दिस इज पहला तो 15 बन गया, उसके बाद दिस इज 65, दिस इज 95, this is 145, okay this is equal to 25, this is 55, uske baad 105 and this is now 135, okay so hame abhi pucha gaya hai second of m1 matlab ye ho jayega second of m1 and fourth of m2 matlab this is fourth one, okay So, उनके बीच का सेपरेशन, ओके सो उनके बीच का सेपरेशन क्या होने वाला है, देखिए सेपरेशन इज इक्वल टू दिस 65 प्लस 135 प्लस दो मिरर के बीच का डिस्टेंस दैट इज 40, ओके तो कितना होने वाला है 240 होने वाला है, टोटल विल बी 240, ओके तो एनी डाउट इन दिस केस, कुछ डाउट है क्या बोलिए। राइट ओके हाउ 80 कम्स, वेयर इज 80, किरण कुमार 80 कहां पे है, 80 यहाँ पे मैंने बताया ना ये क्या करना, पहले D लेना है उसके बाद 2D उसके बाद 3D 4D 5D ऐसा करते जाना है ना कंटिन्यूअसली, तो यहाँ पे D कितना है 40 है, तो 2D 80 3D 120 4D 160 ऐसा हो जाता है। हाँ ओके ओके श्रावण नो प्रॉब्लम, ठीक है ये तो हो गया इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स। अभी हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, ओके नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, रोटेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, ओके ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी देखिए रोटेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, मतलब देखिए इतना
इतना सारा रे ऑप्टिक्स में रहता है, ओके मतलब आप बुक पढ़ने जाओ ना तो उसमें रिफ्लेक्शन एक दो पेजेस में रहेगा और उसमें ज्यादा एप्लीकेशन कुछ नहीं रहेगा। ओके जब इस तरह से आप सभी एप्लीकेशन उसके सभी कंसेप्ट स्टडी करते हैं ना, तभी आपको सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छी तरह से आ जाता है। ओके तो इसलिए ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके अभी रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे मतलब क्या है देखना है हमें। ओके ठीक है, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे तो यहां पे दो केसेस है। केस वन, केस वन क्या है देखिए, मिरर इज फिक्स्ड। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए मिरर इज फिक्स्ड एंड इंसिडेंट रे, ओके इंसिडेंट रे, मिरर को हमने फिक्स रखा है एंड इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय थीटा, इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा। ओके इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट किया है, ठीक है ना, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय, दैट इज द क्वेश्चन, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय। ओके ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय। हाँ देखिए मिरर फिक्स किया है एंड इंसिडेंट रे को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे बाय एंगल थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से चेंज होने वाला है, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक मैंने मिरर ले लिया है, मिरर इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है हॉरिजॉन्टल मिरर है एंड यहां पे मैंने क्या किया है, पर्पसफुली नॉर्मल इंसिडेंस किया है, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब दिस इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इंसिडेंस किया है, ओके ना, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे यहां पे किधर रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे बताइए कहां पे रहेगा, दिस डायग्राम रिफ्लेक्टेड रे, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल रहेगा तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा, सेम रहेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ऊपर ऊपर वाला रहेगा ना ऐसा, दिस विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको बोलूंगा मैं फर्स्ट R1 लिखूंगा, R1 इसको लिखूंगा R1 मतलब इनिशियल रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अभी क्या करूंगा, इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट करूंगा, मतलब इंसिडेंट रे पहले यहां पे था I1, ठीक है मैंने क्या किया है थीटा एंगल से, इंसिडेंट रे पहले ऐसा था उसको थीटा एंगल से मैंने रोटेट किया है, थीटा एंगल से, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट रे अभी मिरर तो फिक्स है, मिरर को हम चेंज नहीं कर रहे, ओनली इंसिडेंट रे को क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल से लेफ्ट को घुमा रहे हैं, ठीक है। तो अभी रिफ्लेक्टेड रे कहां पे आ जाएगा, अभी रिफ्लेक्टेड रे थीटा पर ही आ जाएगा ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है। तो दिस इज न्यू रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज R2 उसको बोलूंगा। तो अभी देखिए पहला रिफ्लेक्टेड रे ऊपर था, डायरेक्टली अपवर्ड था, अभी दूसरा रिफ्लेक्टेड रे यहां पे है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, मतलब R1 एंड R2 के बीच में एंगल कितना है, देखिए थीटा ही है ना, थीटा मतलब रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय, इसका आंसर आता है थीटा, थीटा विल बी द आंसर। ओके समझ में आ रहा है, मतलब अगर इंसिडेंट रे को मिरर को फिक्स रखते हैं एंड इंसिडेंट रे को थीटा से रोटेट करते हैं ना, तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से रोटेट हो जाता है, इंसिडेंट रे को हम थीटा से जब रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से रोटेट हो जाता है, ठीक है। हाँ अभी एंगल ऑफ डेविएशन कितने अमाउंट से चेंज होगा वो भी यहां पे क्वेश्चन है,
इंसिडेंट रे को हमने थीटा से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से रोटेट हुआ, अभी एंगल ऑफ डेविएशन कितने अमाउंट से चेंज होगा, दैट इज वन मोर क्वेश्चन। ओके वन मोर क्वेश्चन, एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि देखिए एंगल ऑफ डेविएशन रहता है 180 माइनस 2i रहता है ना, 2i मतलब ऐसा मैं लिख सकता हूं 180 माइनस i प्लस r, एंगल ऑफ डेविएशन का ये फॉर्मूला है, हमने इनिशियली देखा है ये फॉर्मूला, एंगल ऑफ डेविएशन 180 माइनस i प्लस r। अभी देखिए i अगर मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कितने अमाउंट से चेंज होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, i कितने अमाउंट से चेंज हो रहा है एंड r कितने अमाउंट से चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड रहेगा ना। ठीक है, तो मैं इधर ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा i प्लस डेल्टा r, ऐसा लिख सकता हूं। ओके, तो चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा से चेंज किया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन विल बी 2 थीटा, चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन विल बी 2 थीटा। ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या, देखिए। ओके, सो वंस अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं, रिपीट करने पर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये डायग्राम आपने देखा है, पहले नॉर्मल इंसिडेंस था, ड्यू टू दैट देयर विल बी नॉर्मल रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्टेड रे पहले ऊपर रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अभी इंसिडेंट रे को मैंने थीटा एंगल से रोटेट किया, इंसिडेंट रे पहले ऐसा था ना, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहले था इंसिडेंट रे, तो थीटा एंगल से रोटेट करने पर रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल से रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन में क्या बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन में कितना चेंज बनेगा, अभी एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला रहता है 180 माइनस i प्लस r इन ब्रैकेट i प्लस r, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस चेंज इन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा से चेंज हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा से चेंज हो रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन 2 थीटा से चेंज हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया कि देखिए, उसके बाद हम केस 2 देखने वाले हैं। केस 2, ठीक है, केस 2 क्या है, मिरर फिक्स्ड था एंड इंसिडेंट रे रोटेट किया था, अभी उल्टा करेंगे, इंसिडेंट रे को फिक्स रखेंगे एंड मिरर को रोटेट करेंगे, इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड एंड मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, इंसिडेंट रे को फिक्स रखा है एंड मिरर को थीटा से रोटेट किया है, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय ये निकल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय। ओके, इस तरह से निकालना है, देखिए इसी डायग्राम का यूज करेंगे अभी, संदेश 2 थीटा। ओके, ठीक है, हाँ, वंस अगेन देखिए, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर, यहां पे मैं नॉर्मल इंसिडेंस ले लूंगा पहले, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो रिफ्लेक्शन भी नॉर्मल हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे यहीं पे आ जाएगा, तो पहला रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे रहेगा ना, दिस वन विल बी द रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको बोलूंगा मैं R1। ठीक है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे पता चला ना, इसमें कुछ डाउट नहीं रहेगा, इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मली ऊपर जाएगा, डायरेक्टली ऊपर जाएगा ना। ठीक है, अभी देखिए, अभी इंसिडेंट रे को वैसे ही रखना है, इंसिडेंट रे में कुछ भी नहीं चेंज करना है, मिरर को रोटेट करना है। सपोज अभी मिरर को मैं रोटेट करता हूं, देखिए दिस इज मिरर, इसको रोटेट किया है मैंने, कितने एंगल से रोटेट किया है, सपोज इट इज रोटेटेड बाय थीटा, मिरर को रोटेट किया है,
अबाउट दिस पॉइंट इसको क्या किया है, इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा एंगल में रोटेट किया है, थीटा एंगल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मिरर रोटेट होता है तो नॉर्मल भी नॉर्मल इस तरह से आ जाएगा, नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा। अगर मिरर रोटेट होता है तो नॉर्मल भी, मिरर अगर थीटा से रोटेट होता है तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो जाएगा। नॉर्मल भी मतलब देखिए, पहले ये मिरर था, ये नॉर्मल था। अगर मिरर अगर थीटा से रोटेट होता है तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो जाएगा ना। दिस इज मिरर, दिस इज नॉर्मल। ओके, अगर मिरर थीटा से रोटेट कर रहा है तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, क्योंकि इंसिडेंट रे वैसा ही हमने रखा है, न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, थीटा बनेगा। अभी रिफ्लेक्टेड रे कहां पे होगा, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे तो वहीं पर है, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया न्यू मिरर। तो रिफ्लेक्टेड रे कहां पे बनेगा, यहां पे, न्यू रिफ्लेक्टेड रे। न्यू रिफ्लेक्टेड रे विल गो लाइक दिस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल के साथ जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहता है, करेक्ट है ना। एनी डाउट इन दिस केस? सो दिस इज फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, इसको मैं R2 बोलूंगा। अभी R1 एंड R2 के बीच में एंगल देखिए कितना है, पहला तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा था, ऊपर था, अभी रिफ्लेक्टेड रे यहां पे है, कितना एंगल है, दो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल है, 2 थीटा। तो इसका मतलब अभी इसका आंसर ये हमेशा ध्यान में रखना है, इंसिडेंट रे फिक्स रख के मिरर को हमने थीटा से रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय 2 थीटा। तो यहां पे रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय थीटा आता था, यहां पे रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय 2 थीटा आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। इमेज चेंज हो जाएगा, इमेज भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जहां पे रिफ्लेक्टेड रे जाएगा ना वहां पे इमेज जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इमेज ऊपर कहीं पर रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जहां जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसी डायरेक्शन में इमेज होता है, तो पहले इमेज इधर रहेगा, बाद में इमेज इधर कुछ तो रहेगा, मतलब इमेज भी 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे अगर 2 थीटा से चेंज हो रहा है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे इतने अमाउंट से चेंज हो रहा है, पहले ऊपर था तो इधर आ गया, ये 2 थीटा एंगल आ जाएगा। हाँ, अभी मुझे बताइए चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां पे देखिए चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन मतलब चेंज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड चेंज इन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों का एडिशन करना है, दोनों का एडिशन। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने अमाउंट से चेंज हो गया है, ओके, थीटा से चेंज हुआ है ना, ओनली 4 थीटा नहीं आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो डेल्टा आई प्लस डेल्टा आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो थीटा से चेंज हो गया है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से चेंज हो गया है, तो टोटल 3 थीटा विल बी द आंसर, 3 थीटा विल बी द आंसर, करेक्ट। एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले 0 था एंगल ऑफ इंसिडेंस, बाद में थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, थीटा से चेंज हो रहा है, ओके। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो मतलब रिफ्लेक्टेड रे तो 2 थीटा से चेंज हो रहा है, थीटा प्लस 2 थीटा मतलब 3 थीटा विल बी द आंसर। एनी डाउट? रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे यहां पे खत्म होता है, समझ में आया क्या? देखिए ये ओनली आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, मिरर फिक्स रखा, इंसिडेंट रे रोटेट किया, तो इंसिडेंट रे रोटेटेड बाय थीटा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेटेड बाय थीटा होता है, एंड एंगल ऑफ डेविएशन 2 थीटा से चेंज होता है, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे को फिक्स रखा एंड मिरर को रोटेट किया थीटा से, मिरर को थीटा से रोटेट करने पर रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्टली 2 थीटा से चेंज हो जाता है, एंड एंगल ऑफ डेविएशन 3 थीटा से चेंज हो जाता है। समझ में आ गया ना? अभी इस पर एक एप्लीकेशन है, इस पर एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको दे दूंगा एंड उसके बाद हम लेक्चर यहाँ पे आज एंड करेंगे, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन इज लाइक दिस, क्वेश्चन इज लाइक दिस, देयर इज वन इंसिडेंट रे, ओके, एंड दिस इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड अप व्हिच इज फॉलिंग ऑन ए मिरर, यहां पे एक मिरर है, क्वेश्चन क्या है देखिए, ओके, दिस इज इंसिडेंट रे, फिक्स्ड अप इंसिडेंट रे एंड मिरर इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, जहां पे इंसिडेंस हो रहा है ना वहां से, अगर मिरर इस तरह से है तो रिफ्लेक्टेड रे इधर कभी कहीं पर हो जाएगा, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, अगर मिरर 20 आरपीएस बनाता है, 20 आरपीएस का मतलब पता है, 20 मिरर जो है ना 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से घूम रहा है, आरपीएस मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड, मिरर क्या हो रहा है 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से घूम रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने स्पीड से घूमेगा, दैट इज द क्वेश्चन। इंसिडेंट रे को फिक्स रखा है और मिरर को हम रोटेट करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली रोटेट करते जा रहा है, कितने स्पीड से रोटेट करते जा रहे हैं, 20 आरपीएस से रोटेट करते जा रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने स्पीड से घूमेगा, दैट इज माय क्वेश्चन। क्या बता सकते हैं, टेल मी योर आंसर फास्ट, 40 आरपीएस, करेक्ट, ओके, यही कांसेप्ट यूज करना है, क्योंकि मिरर थीटा से जब रोटेट होता है ना तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से चेंज होता है, करेक्ट है ना, मिरर थीटा से रोटेट होने पर रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से चेंज हो जाता है, मतलब मिरर अगर 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे 40 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से घूमेगा, दैट इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो रिफ्लेक्ट स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विल बी 40 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, दैट इज माय आंसर, ओके। So this is all for today's lecture of the physics. Have a nice day. Take care. Bye.